ये लो मम्मी जी पानी। प्रिया मेरी वो ब्लू वाली शर्ट कहाँ है? अरे यार मैंने व्हाइट वाली प्रेस कर दी है, वो पहन जाओ। अरे तो जो कह रहा है वो कर दे प्रेस। मम्मी जी इनको रात को ही बताना चाहिए था ना। अब मैं अपनी भी तैयारी करूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। मैंने इनसे इतनी बार कह रखा है जो सुबह ऑफिस कपड़े पहन के जाने हो ना मुझे रात को बता दिया करो, मैं प्रेस कर दिया करूँगी। लेकिन इनका तो है ना एट ए टाइम पे बताएंगे कि मुझे अब ये कपड़े पहनने हैं, अब जो प्रेस करे हुए रखे ना वो नहीं पहनने, बस जो नहीं है ना वही करो प्रेस। जा कर दे, इतनी देर में तो तू कर भी देती प्रेस, इतनी देर तूने बातों में लगा ली। मम्मी जी आप भी इन्हीं की साइड लेना, अरे कभी इनको भी समझा दिया करो। गुड्डू देख जो कपड़े तुझे कल से पहनने हो ना वो पहले बता दिया कर रात को। अब ये बहू तेरा काम करेगी या मेरा काम करेगी या अपने ऑफिस जाने की तैयारी करेगी, बस बैठे बैठे हुक्म देता रहेगा। देख बहू कल से इसका काम करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया कल से ये ऐसा करे ना तो कोई जरूरत नहीं है इसके काम करने की। बहू की चक्कर गिन्नी बना के रख रखी है, थोड़े बहुत हाथ पैर खुद भी ला लिया कर। हाँ बहन कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बहू बेटे भी दोनों ठीक है। अच्छा अरे तो करने दे उसे भी नौकरी, इसमें हर्जी क्या है? देख बहन मेरा तो मानना है आजकल है ना बहू और बेटे दोनों को नौकरी करनी चाहिए, एक की नौकरी से पार नहीं पड़ती है। इतनी महंगाई हो गई है बताओ कहाँ चलता है घर। और क्या अब देख मेरी बहू कर रही है नौकरी, मेरी बहू ने तो घर और नौकरी दोनों संभाल रखा है। हाँ मेरी बहू जैसी तो कोई होनी बहुत ही मुश्किल है, सच में बहुत अच्छी है। मैं तो कहूँ भगवान ऐसी बहू सबको दे। हाँ हाँ बहन हाँ देख अगर उसका मन है ना करने का नौकरी तो उसको करने दे, उसका मन मत मार। अरे घर में एक काम वाली लगी हुई है तुम्हारी, एक और लगा ले, इसमें हर्जी क्या है बता। हाँ ठीक है अच्छा कर दी आपके लाडले की शर्ट प्रेस मैंने। प्रिया मैं सोच रही हूँ कल से ना तू है ना इसके कपड़े है ना प्रेस वाले को ही दे आया कर, इसका तो रोज का काम हो गया है प्रेस के ऊपर लड़ाई करने का। हाँ मम्मी ये ठीक रहेगा, कल से ना मैं प्रेस वाले को बोल दूँ वो घर से ही ले जाया करेगा कपड़े। ठीक है जा तू भी अपनी तैयारी कर, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी।